हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमारे सेशन चल रहे थे उसमें हम लोगों ने SFD और BMD पढ़ लिया है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके बाद जो हमारा यूनिट होता है या जो भी नया टॉपिक है, वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस या फिर सिंपल स्ट्रेसेस इन बीम्स। और इसके अंदर भी वैसे दो चीजें आती हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस इन बीम्स और दूसरा आता है शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस किस तरीके से इंड्यूस हो सकते हैं, शियर स्ट्रेसेस किस तरीके से बीम के अंदर इंड्यूस हो सकते हैं। ऑब्वियसली आप अगर आप देखो, जब बीम ऐसी है इसके ऊपर लोड कुछ बीम ऐसे है इसके ऊपर लोड आपने ऐसे लोड लगाया, तो इसकी वजह से आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर शियरिंग ही होने वाली है। तो शियर स्ट्रेस बीम में इस तरीके से इजीली इंड्यूस किए जा सकते हैं, बट नॉर्मल स्ट्रेस किस तरीके से बीम में इंड्यूस किए जाएंगे वो हमको देखना है, और वो किस वजह से नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, किस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वही हमको देखना है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, हमारे पास एक बीम थी उसको मैंने कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया, कुछ इस तरीके से मैंने बीम को बेंड कर दिया, ठीक है, ये बीम मान लो। तो अगर आप ये ऊपर वाले लेयर्स को देखोगे, ऊपर वाली जो लेयर्स हैं ये आपको दिखेंगी टेंशन में, ये आपको दिखने वाली है टेंशन में। ये अगर आप देख भी सकते हो, अगर आपके पास एक पेन है उस पेन को आप इस तरीके से करके देखिएगा, जो ऊपर वाला जो कर्व बनेगा वो, या फिर ऊपर वाली जो लेयर्स होंगी उनकी लेंथ एज कंपेयर टू द बॉटम थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ऊपर वाले जो फाइबर्स होंगे, ऊपर वाला जो मटेरियल का पार्ट होगा वो आपको टेंशन में दिखेगा, और जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कंप्रेशन में दिखने वाला है, क्योंकि ये छोटा हो चुका है पहले से एज कंपेयर टू, और ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो चुकी है। पहली लेंथ इसकी मान लो कुछ ऐसे थी, ये कुछ ऐसे था, बीम आपकी कुछ ऐसे थी, और फाइनल शेप ये हो गया। तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें टेंशन दिखेगी आपको, और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपको कंप्रेशन दिखने वाली है इस तरीके से। और ऐसा शेप तभी लग सकता है जब आ सकता है जब आपने एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया होगा। तो जो हमारे बीम के अंदर नॉर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेसेस बेंडिंग की वजह से होते हैं, इसीलिए जनरली इसको बेंडिंग स्ट्रेसेस भी बोला जाता है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बेंडिंग की वजह से इंड्यूस होने वाले हैं। तो अब इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें बहुत जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं किस तरीके से चीजों की स्टार्टिंग होती है। तो हमारे पास मान लो ये बीम थी, ये हमारे पास बीम है, इस बीम पे लोड लगा पी, ऐसे ये लोड लगा पी। अब इस पी लोड लगने की वजह से जो आपकी बीम है वो बीम का जो शेप है कुछ इस तरीके से होने वाला है। पहले बीम थी आपकी ऐसी, ठीक है, तो ये जो शेप है ये शेप आपको दिख रहा है कुछ बेंट शेप है, या फिर इसको जो हमारी बीम है उसने कर्वेचर का फॉर्म ले लिया है, एक कर्वेचर का फॉर्म ले लिया है। और एक कर्वेचर किस वजह से आया है, बेंडिंग की वजह से आया। और यहां से आपको ये भी दिख रहा है कि जो बीम है इसकी एक्चुअल जो शेप था उससे ये कुछ डिफ्लेक्टेड फॉर्म में आ चुकी है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन कर्व। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जब आप किसी भी कर्व की स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि ये डिफ्लेक्शन आया आपकी बीम के अंदर, तो आपको अगर ये एंगल मेजर करना है तो आपके पास कुछ एक्सेस होनी चाहिए, सेट ऑफ एक्सेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, ये वाली डायरेक्शन तो आपकी एक्स है, ये हो गई वाई, और जेड हो गई अंदर को, ये आपका जेड होने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, जो हमारी बीम है
जेड डायरेक्शन की हम बात नहीं करने वाले, बीम ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से ही होगी हमारे पास, बीम कुछ इस तरीके से ही होने वाली है। अगर आप थ्री डायमेंशन डायग्राम बनाओगे बीम कुछ ऐसे ही होने वाली है। तो ये आपका एक्स हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई हो गया, अंदर की तरफ जेड हो गया। बार बार हम थ्री डी डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसीलिए हम केवल इसी वाले प्लेन की बात करेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई की हम बात करने वाले हैं। तो जब मान लो आपने इस बीम पे एक बेंडिंग मोमेंट ऐसे अप्लाई किया, बेंडिंग मोमेंट ऐसे अप्लाई हुआ है, तो जो बेंडिंग है, जो बीम बेंड हो रही है, आप देखोगे बीम जब बेंड हो रही है तो इसका जो प्लेन ऑफ बेंडिंग है वो, अगर आप इमेजिन कर पाओ, जो प्लेन ऑफ बेंडिंग है वो प्लेन ऑफ बेंडिंग आपको कहां पर दिख रहा है? बेंडिंग अगर हो रही है तो बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है? अगर आप सामने वाला फेस देखोगे तो किस प्लेन में आपको बेंडिंग नजर आ रही है? बेंड शेप कहां पर आपको दिखने वाली है? ये तो आपको बेंड शेप दिखेगी, एंड्स जो है ये आपको बेंड नहीं दिखेंगे, इसीलिए जो प्लेन ऑफ बेंडिंग है वो है हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जो हमारा एक्स वाई प्लेन है ये हमारा प्लेन ऑफ बेंडिंग है, सारी सारी बेंडिंग यहां पर होने वाली है। एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन ऑफ बेंडिंग। और दूसरा ये है कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो इसी प्लेन में लगेगा, मतलब जो बेंडिंग होगी इसी प्लेन के अबाउट होगी, इसी प्लेन पर ही होगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो बीम है, हम ये अज्यूम करने वाले हैं कि जो बीम है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, क्रॉस सेक्शन देखोगे, तो जो वाई एक्सिस है हमारी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। वाई एक्सिस जो है हमारी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इतना आप लोगों को पता है कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट दूसरी साइड भी होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जेड एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, किसी भी और एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। हमारी जो बीम है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस के अबाउट, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी, हमने बीम की एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख ली, अब हमको एक और चीज को स्टडी करना है कि बीम के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो किस तरीके से इंड्यूस हो सकता है, और डिफॉर्मेशन जो है, एंगुलर डिफॉर्मेशन जो आ रहा है वो लेंथ के अलोंग कैसे कैसे वेरी कर रहा है, तो उस चीज को भी हमको देखना है यहां पर। और जब आपने ये बीम बनाई, बीम के ऊपर लोड लगा, बीम के ऊपर जब लोड लगा तो ये एंगल आया है यहां पर, ये कुछ एंगल ऑब्वियसली यहां से कुछ एंगल बना है, ये एंगल आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? और जब ये बीम आपकी आई है ऐसी, तो अगर आप इस बीम को देखो तो ये कर्व की फॉर्म में है, ये कर्व की फॉर्म में है, तो इस बीम का ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है आपकी, इस ये कर्व की फॉर्म में, तो इस कर्व का एक रेडियस भी होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो सपोज हमारे पास, हम एक सेक्शन, दो पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं, ये एक एम पॉइंट हो गया और एक एन पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हमने अगर टेंजेंट खींची, टेंजेंट अगर हमने खींची और इन पे परपेंडिकुलर डाला, अगर आप इन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कहीं ना कहीं पर मिलने वाले हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ थी हमारी, ये जो डिस्टेंस थी ये हो गई हमारी डी एस, मानो इसको डी एक्स मानो, और ये जो एंगल है, स्मॉल एंगल है इन दोनों के बीच का, ये हो गया डी थीटा, और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों जहां पर आके मिलेंगे, ये दोनों जो नॉर्मल है टू द टेंजेंट, ये दोनों जो नॉर्मल है टू द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट्स, नॉर्मल टू द गिवन पॉइंट्स,
नॉर्मल टू दी टेंजेंट्स एट द गिवन पॉइंट, आगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे और ये पॉइंट हमारे ये जो कर्वेचर बना है इसके लिए इसका सेंटर होगा, और यहां से जब आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चाहे इस वाले पॉइंट की बात करो, चाहे इस वाले की बात करो, इस वाले कर्व की बात करो जो यहां पर बना है, इस वाले कर्व की बात करो, चाहे फिर इस वाले कर्व सॉरी इस वाले रेडियस की बात करो, चाहे ये वाले रेडियस की बात करो, दोनों का ये दोनों जो डिस्टेंस है दोनों बराबर होने वाली है। और ये जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताई ये अगर डीएक्स है तो यहां से आप देखो आपके पास एक रिलेशन होता था थीटा इज इक्वल टू आर ओवर लेंथ, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एक सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू आर ओवर, यहां से अगर आप देखोगे ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर लेंथ होता है। तो यहां पर अगर आप आर्क देखो, आर्क क्या है आपकी डीएक्स है, लेंथ कितनी है आर है, और जो एंगल है वो डी थीटा है। तो यहां से आप देखो आर इज इक्वल टू जो आना चाहिए, यहां से जो आर आपका आया वो आया डीएक्स बाय डी थीटा, और ये आर आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोल दीजिएगा बार बार मैं लिखूंगा, आप सॉरी आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका आर। और अगर आप वन अपॉन आर करेंगे, अगर आप यहां से करोगे वन अपॉन आर, वन अपॉन नाम की एक और हमारे पास टर्म होती है, उसको हम जनरली यूज करते हैं, तो ये डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है आपकी वन अपॉन आर, इसको कर्वेचर बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्वेचर। इसको बोला जाता है कर्वेचर। ये कर्वेचर को आपको पूछ लेते हैं कि कभी कभी कोई बीम है उसका कर्वेचर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कर्वेचर कैसे आने वाला है, पॉजिटिव कर्वेचर है निगेटिव कर्वेचर है। तो आप उसके डी थीटा बाय डीएक्स से आप लोग फाइंड करके बता सकते हो। तो जो बीम है हमारी उसके दो तरीके से कर्वेचर हो सकते हैं, एक कर्वेचर कुछ इस तरीके से हो सकता है और दूसरा कर्वेचर कुछ इस तरीके का हो सकता है। बीम दो ही तरीके से कर्वेचर में फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो जो इस तरीके से कर्वेचर बनेगा, इस तरीके से कर्वेचर बनेगा इसको पॉजिटिव कर्वेचर बोला जाता है, और जो दूसरी तरीके से बनेगा इसको बोला जाता है निगेटिव कर्वेचर। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और जो और भी टॉपिक्स है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बताऊं, क्योंकि वहीं से कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे और उसका यूज आगे आने वाला है, ठीक है। तो इस वाले सेशन के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं अगले सेशन में। टिल द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एंड टेक केयर।